हेलो फ्रेंड, हम बात करेंगे आज F9, जो कि ओफो का F9 है, जिसमें हमारी VDDQ की लाइन शॉर्टिंग आ रही, तो उसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ कैपेसिटर हैं CB43EMI VDDQ, ये वाली लाइन हमारी शॉर्ट है, जहाँ ये कोयल है, कोयल से अटैच हैं, और एक कैपेसिटर है जो पावर आईसी के पास, ये वाला कैपेसिटर है जो शॉर्ट है। तो हमने यहाँ पे शॉर्टिंग मिली है बोर्ड में, जो ये फोन ड्रॉप होकर गिरा हुआ है, लेकिन हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया, तो यहाँ पे इस लाइन पे शॉर्टिंग आ रही है। तो हम इसको किस तरह से रिपेयर करते हैं, वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि और भी ऐसे नॉलेज और वीडियो मिल सके आपको। तो मैं बता दूं फ्रेंड, यहाँ पे जो कैपेसिटर हैं जो हमारे शॉर्ट आ रहे हैं, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये वाली लाइन पूरी शॉर्ट है। तो इसको शॉर्ट किलर से कैसे फाइंड करते हैं, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बाय प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो पे बने रहिए। तो फ्रेंड, ये हमारी MMC, यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट हैं जो शॉर्ट बता रहे हैं, CPU की कुछ लाइन भी यहाँ पे शॉर्ट बता रही है। तो हम इसमें इस लाइन में VDDQ की लाइन है, तो कितना वोल्ट दे सकते हैं वो आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता दूँ आपको कि इसमें आप 1 पॉइंट की सप्लाई से कम ही वोल्ट दे सकते हैं। एम्पेयर भी 7-8 एम्पेयर दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वोल्ट भी नहीं दे सकते हैं और ज़्यादा एम्पेयर भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जो मेरी कॉइल हैं, जो मैंने उसमें बताया, तो इस स्पीड वेव के सार हैं, हम सारा आपको बताने वाले हैं। तो ये देखिए कि वो कॉइल जो मैंने आपको बताया था, ये वाली कॉइल जो आप देखोगे, तो ये देखिए कहाँ से कहाँ तक पूरी की पूरी शॉर्ट बता रही है, क्योंकि ये हमारी जो लाइन है वो VDDQ की लाइन है, तो ये सारी शॉर्ट है, और ये CPU MMC भी शॉर्ट है, इनकी भी वॉल शॉर्ट आ रही है, तो ये सारे कंपोनेंट भी शॉर्ट नहीं हो सकते। तो हम उसको किस तरह फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, उस पर जो हमारी कॉइल लगी हुई है, उस कॉइल को रिमूव करेंगे और देखेंगे कि हमारी शॉर्टिंग किस तरफ है, पावर की तरफ है या MMC या CPU की तरफ से है। तो उसमें कॉइल को रिमूव करने के बाद हम शॉर्ट किलर से 5 एम्पियर और 1 वोल्ट की सप्लाई दे के ट्रोजन पेस्ट अप्लाई करके हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा हीट हो रहा है, वही ही शॉर्ट होगा। तो एक तरीका मैंने ये बता दिया आपको, और दूसरा तरीका है 1x1, पहले पावर को निकालना है, फिर CPU, फिर MMC, तीनों को निकालना है, फिर भी हमारी शॉर्टिंग नहीं जा रही, तो हम 4 वोल्ट 5 एम्पियर दे सकते हैं, जैसे हमारा कंपोनेंट कोई भी होगा वो हीट हो जाएगा। लेकिन ये तीन ऐसी उतारने के बाद MMC, CPU और पावर, और यदि ये उतारने के बाद हमारी शॉर्टिंग ख़त्म हो जाती है, तो उसको 1x1 एक एक लगा के चेक करेंगे। पहले हम CPU को लगाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारी शॉर्टिंग आई या नहीं आई, फिर हम MMC को लगाएंगे, फिर हम पावर को लगाएंगे, वो देखते रहेंगे कि हमारी शॉर्टिंग वापस तो नहीं आ रही है। यदि इनमें से कोई शॉर्ट होगा तो भी हमारी शॉर्टिंग वापस आ जाएगी। तो हम इस तरह से बोर्निंग सेमेटिक से हम फाइंड करते हैं मोबाइल को। मैंने आपको लाइव बताया है कि हम किस तरह से ट्रेस करते हैं। यदि आप भी कोई अच्छे टेक्निकल हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस तरह ही किया जाता है या और कोई भी तरीका है। थैंक यू फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू फ्रेंड।